उस तरफ देखो दोस्तों क्या आकृतियां बनी हुई है, वो देखो मिट्टी का पहाड़ और उसमें छेद बना है देखो। सो गाइस आराम से देखिए आईबैक्स दिखे यहाँ पे। सो गाइस अभी रुके हैं जस्ट सर्चू में और यहाँ पे खाना खाने के लिए एक ब्रेक लिया है, लगभग टाइम हो रहा है 1:30 बजे के आसपास। तो अभी पांग यहाँ से बहुत दूर है जहाँ पे नेक्स्ट स्टॉपेज है, हमें खाना मिलेगा तो इसलिए हमने फैसला किया है हम यहीं पे खाना खाएंगे। सो गाइस खाना अपना आ चुका है, ये देखिए दाल चावल सब्जी और चपाती। तो जल्दी से खाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं सीधा रोड पे। सो गाइस अभी यहाँ पे तकड़ी वाटर क्रॉसिंग आई है, आशीष भाई पीछे डर रहे हैं। नहीं भीगने दूंगा यार भाई आपके जूते, पर भाई साहब टफ है टफ। अभी बाइक पूरा पार लगी, ओ भाई निकल गई निकल गई। तो गाइस सर्च में यहाँ पे वाइन शॉप भी है अगर आपको वाइन लेनी है, और एक वाटर क्रॉसिंग में हम और आ चुके हैं। ये देखिए पूरा पानी ही पानी है नीचे ब्रिज में। आपने दोस्तों साउंड देखी कितनी साउंड थी। ये जो नदी के पिछले वाला एरिया था दोस्तों ये हिमाचल में था, और अब हम एंटर कर चुके हैं लद्दाख में नदी से इस तरफ को, तो ये लद्दाख रीजन स्टार्ट हो गया है दोस्तों। सो गाइस सरचू से आगे हम निकल चुके हैं पांग की तरफ अपना लंच वगैरह करके, और रोड दोस्तों बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। लास्ट टाइम जब आए थे दोस्तों ये पोर्शन होता था ना जो पूरा धूल ही धूल डस्टी डस्ट होती थी, 3-4 रोड होते थे सारे से नीचे से देख रहे हैं ना आप, पूरी डस्टी डस्ट होती थी दोस्तों। और अब जो रोड है ना बढ़िया मस्त है, एकदम चकाचक रोड है, मतलब अभी तक तो मज़ा आ रहा है। सो ये देखिए दोस्तों नई हो रही है मेटल रोड। सो गाइस यहाँ से गाटा लूप स्टार्ट होते हैं, पूरे 22 लूप्स है, मतलब हेयर पिन बैंड से पूरी कैंचिया ही कैंचिया है, मोड़ ही मोड़ है, पूरे 22 मोड़ है दोस्तों। तो ये फर्स्ट मोड़, अपनी बाइक जाएगी निकल। तो गाइस ये है गाटा लूप्स की रोड, पूरी जिगजैग रोड है देखो। सो गाइस आराम से देखिए आईबैक्स दिखे यहाँ पे बहुत सारे ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, फ़ोन निकालने का टाइम नहीं है उतने चले जाएंगे, और गोप्रो में इतने अच्छे से दिख नहीं रहे हैं पर बहुत अच्छे है। अक्सर यहाँ पे आईबैक्स मिलते हैं, देखो ये देखो दोस्तों कितने सारे आईबैक्स हैं छोटे छोटे। So finally guys we have made it to Nakila Pass 15,547 feet. This is the Nakila Pass. So guys Nakila Pass उतर के भी एक स्टे है, आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, रहना खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अभी हमें जाना है दोस्तों पांग, यहाँ से जो अगली डेस्टिनेशन है हमारी पांग होगी, तो पांग यहाँ से रह गया है 25 किलोमीटर। और देखिए गाइस हमें क्या दिखाया है, नीचे उधर शेफर्ड्स है, छोटी छोटी भेड़े हैं, भेड़ बोल सकते हैं इनको, छोटी छोटी भेड़ है दोस्तों नीचे। तो यहाँ पे शेफर्ड के टैंक भी है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से बहुत प्यारी लग रही है। अगर ऊपर कहीं प्लेन में नज़दीक मिलती है तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो गाइस है वी आर द लाचोंगला टॉप 16,616 फीट लाचुंगला टॉप, दिस द पास गाइस, दिस द पास। तो गाइस लाचुंगला के बाद थोड़ा सा डाउन हिल है पांग तक, और पांग के बाद थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा हमारे को मोरे प्लेन में। मोरे प्लेन है लगभग 15,000 फीट के समथिंग, और ये जो प्लेस था लाचुंगला पास ये था 16,616 फीट। तो अभी थोड़ा नीचे जाना है, थोड़ा सा चढ़ना है, बाकी सब बढ़िया है दोस्तों। सो गाइस ये देखिए जैसे हम पांग की तरफ जाते हैं ना, तो पहाड़ों की जो शेप है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल निकीले से पहाड़ है और हल्के पीले रंग के हैं दोस्तों। अभी तो सूरज जा चुका है, इतने अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, पर जब सूरज की रोशनी में तो ये बढ़िया चमकते हैं दोस्तों। पीले रंग के बोल लो या गोल्डन कलर के पहाड़ है दोस्तों, गोल्डन कलर के। ये देखिए गाइस पूरी रॉक के नीचे से जा रहे हैं हम, सामने कितना बड़ा पहाड़ है। गाइस मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो मिट्टी का पहाड़ और उसमें छेद बना है, देखो कितना प्यारा छेद है।
ओ भाई साहब, इस पुल की तो खस्ता हालत है। आवाज देखो कितनी कर रहा है, डर लग रहा है कि कहीं नीचे ही ना गिर जाए। बढ़िया है रोड, अब खींचो। चल चल पटा जा, सुधा पटा जा, पटा जा। नींद ना खोए श्री। सो गाइस ये देखिए कैसे नुकीली नुकीली मिट्टी के पहाड़ बचे हैं, और ऊपर से ऐसे लग रहा है कि रेत फिसली है नीचे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, ये केवल आपको लद्दाख में मिलेगा, और लद्दाख में मिलेगा पांग में। दोस्तों उस तरफ देखो दोस्तों, क्या आकृतियां बनी है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। भाई साहब है, हालांकि पिछली बार में आया था दोस्तों, पर बस से इतना अच्छे से नहीं दिखता दोस्तों जितना बाइक से पूरा 360 व्यू आता है ना। सो फाइनली गाइस वी हैव मेड टू पांग। तो ये दोस्तों पांग है, कुछ इस प्रकार का लैंडस्केप है पांग का। और रहने या खाने की दोस्तों यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था है, कैंप कूप है, आप आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो मोरा प्लेन की दूरी है दोस्तों, जो 40 किलोमीटर का स्ट्रेट स्ट्रेच है, वो लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। तो 3-4 किलोमीटर बाद दोस्तों हम सीधा मोरे प्लेन्स में हो गए। So finally guys, we have entered in the Mora Plains, the super roads of this highway. चल, तो खुशी के और ने है ये मोरे प्लेन है, सीधा है बगे। अरे आगे चलो, धूप को चलो है। अरे आप फोटो आने दे यार, अरे भी आ जाएगी धूप में। चल तो यहाँ ले लेते एक हाथ। तो गाइस आप खुद ही देख सकते हैं मोरे प्लेन्स में कितने अच्छे रोड है, कितने अच्छे नज़ारे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। गाइस अभी जस्ट पहुंच चुके हैं डेवरिंग, और यहाँ से कट जाता है दोस्तों माहेश्वर, और आपका नाली सरचू ये वाला है दोस्तों, और माहेश्वर ये वाला जाता है दोस्तों। ये रोड आप देख सकते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ता है डेवरिंग में। सो गाइस अभी जस्ट बन रहा है खाना, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा मैगी बना रहे हैं हम, और मैगी है जो इतने शॉर्ट नोटिस में बन जाए। रात काफ़ी हो चुकी थी दोस्तों, इसलिए हमने डेवरिंग में ही स्टे करने का फैसला किया। और यहाँ पे हवाएं काफ़ी चल रही है, और इस जगह का जो एल्टीट्यूड है दोस्तों वो लगभग 15,000 फीट के आसपास है। तो ठंड भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी है, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए हम। हमने जल्दी से टेंट सेटअप किया, और उसके बाद खाना खुना बनाने में लग गए। खाना अपना दोस्तों रेडी है, अभी जस्ट डिनर करेंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो भी काफ़ी लंबी बनती जा रही है, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।